अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और हमारे पास बहुत खूबसूरत शाम, बहुत अच्छा दिन है। गर्मी तो है, थोड़ी सी बारिश, हल्की सी फुहार हुई थी और फिर वो रुक गई और बहुत अच्छा शाम हुई है। हमारे पास अभी सवा सात बजे मेरे ख्याल में अभी मगरिब का नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। मैंने बहुत अरसे के बाद नमाज़ें दोबारा शुरू की हैं, मैं बड़ा गाफिल हो गया था। प्लीज़ जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरा रब मुझे माफ़ कर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, आपको मेरे वीडियोस मिल रहे हैं और मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में। काम चल रहा है, बिजी मसरूफियत और क्या बताऊँ। शाम का वक्त है, खूबसूरत सीन है और आप देखिए कितना, ये देखें कितना लोग कैसे हैं। अब उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और बहुत मुश्किल है यूट्यूब को हैंडल करना और मेरी ख्वाहिश तो होती है कि मैं हर रोज़ ब्लॉग डालूं, बट बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। जॉब के साथ इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं और भी सब फैमिली वालों को काम पर छोड़ना, उठाना, अपना भी करना और घर के छोटे मोटे एरंड्स रनिंग अराउंड, तो वो भी चलते रहते हैं। तो लाइफ इज स्टिल वेरी बिजी हियर, लाइफ इज एवरीबॉडी इज बिजी, आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन बिजी। हर बंदा बिजी है और हर बंदे को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आगे जिंदगी के काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। आप लोगों को थंबनेल से अंदाजा हो गया कि क्या है, ठीक है, चूरी है, चूरी बना रहे हैं हम आज खाने में बहुत स्पेशल, क्योंकि मेरा दिल करा चूरी खाने को, तो मैंने चूरी की हम क्यों नहीं खाएं, अगर हमारा दिल करेगा तो हम वही खाएंगे, ठीक है। चूरी बन रही है, उसके साथ मैंने टिक्का बनाया था, टिक्का बोटी, उसको मैंने श्रेड कर काट के बारीक बारीक कर लिया और दिखाता हूँ मैं आपको सारा कुछ। सब्र तो करें, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। मुझे कुछ लोगों के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ मैं, अगर आप लोग को इंस्टाग्राम पे मत आइएगा, प्लीज़ मत देखिएगा, मुझे सर्च मत कीजिएगा वहाँ पे मेरा एक और ही रूप है, दोस्तों में गप्पे लगाता हूँ, बड़ी फजूल बातें करता हूँ मैं, आई एम सॉरी अगर मैं किसी को डिसअपॉइंट करूँ। तो चले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम चूरी कैसे बनाते हैं। चूरी खा के भी दिखाऊंगा आपको, वाओ वाओ वाओ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी रोटियां पक रही हैं, सॉरी मैं आपको कुक नहीं दिखा सकता, ये रोटियां पक रही है। इसका तरीका क्या होता है कि रोटी को ऐसे मरोड़ के मरोड़ दिया जाता है, उसके बाद रोटी की ये ऐसी हालत हो जाती है कि इसको आप ऐसे चूरा बना के और इसमें फेंक देते हैं, ठीक है। और ये मैंने चूरा ऑलरेडी मैंने बहुत सारा बना के रखा हुआ है। ये है मक्खन, आइए जरा कैमरा के करीब कीजिए, मक्खन दिखाइए जरा, ये देखिए ये मक्खन जो है ना, और ये रोटी ज़रा गरम गरम है तो इनके ऊपर मक्खन मैं साथ साथ डालता जा रहा हूँ ताकि फिर मुझे आप बाद में आसानी होगी, ठीक है। और ठीक है, ये है मक्खन और ये है जी हमारा टिक्के का मसाला, ठीक है। ये दिखाइए बेटा, और मक्खन तो दिखा रही, मक्खन के अंदर घुसना है आपने पता नहीं, ठीक है दिखा दिया, बस इधर छोड़ दीजिए। तो अच्छा, अब इसको मैं देखिए ऐसे जो है इसको मैं ऐसे मुश करूंगा, ठीक है, इसको ऐसे हाथ से तोड़ूंगा हमने। अब प्लीज ये मत बोलना कि मेरे हाथ साफ नहीं थे, मेरे हाथ साफ हैं, समझ आइए, मैं अभी वजू में भी हूँ, बल्कि अभी नमाज पढ़ के आया और मैंने अभी मेरे हाथ साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत मजे की चूरी बन रही है, इसमें जाएगा जी नमक और काली मिर्च, ठीक है, और ऊपर से ये टिक्का जो मसाला लगा हुआ है वो अलग से। ये कह रहा था कि मैं इसको ऐसे उठाऊं रोटी को, ये मक्खन देख रहे हैं आप, इसको ऐसे रख के, ठीक है, और ये टिक्का रख के, बहुत बहुत मजेदार, इसको कहते हैं चूरी। तो अभी हमारे घर के जितने भी अफराद हम सब ये खाएंगे रात में, तो स्पेशल डे है आज, बताएंगे क्या स्पेशल डे है, ठीक है। हमारी नीस का बर्थडे है, उसको ये बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है, तो हमने कहा चलो उनको सरप्राइज दिया जाए लोगों को ये। और ये कितना अच्छा नवारा है ना, देखो रोटी के ऊपर मक्खन पड़ा हुआ है ऐसे प्यारा सा, अच्छी सी बोटी यहां से उठाएं और ऐसे देखो, ये हमारी चूरिया फाइनल रूप में आ गई है, ये देखिए, ये अभी ये चूरा बन चुका है सारा। और ये मेल्टेड बटर है, ये इसके ऊपर से जा रहा है अभी, ठीक है, एक्स्ट्रा बटर, आई नो
हम बटर खा रहे हैं, आई नो हेल्थी नहीं है, आई नो डाइट कॉन्शियस, आई नो एवरीथिंग 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 होल्डर। बटर डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और हर बंदे का एक पेड़ा ऐसे रख के इसको ऐसे ऊपर से तोड़ देंगे, ठीक है जी, इसको रख के ऐसे तोड़ देंगे। और ये ज्यादा हो गया, दिखाते हैं जी अब डिसेंट की प्लेट कैसे बनती है। ये देखिए, ठीक है, ये गोश्त था राइट, अब इस गोश्त को मैं इसके ऊपर कर दूंगा, इसको सेंटर में कर दूंगा और ये हमारी प्लेट बन के हो गई तैयार। ऐसे ही बनेगा हमारा खाना, बहुत मजे का है और अगर आप लोगों को भी दिल करे बना सकते हैं, आप लोग खा सकते हैं। चूड़ी रेसिपी इज वेरी डिलिशियस, 3 प्लेट्स ऑलरेडी डन, क्योंकि मैंने मीट पहले डाले थे सबके लिए ताकि सबको इक्वल मीट मिल जाए तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। टिक्का बोटिया है और अभी वैसे भी ये हमारी प्लेट बन गई तैयार। थैंक यू सो मच, अपने दुआओं में मोहब्बतों में हमेशा याद रखिए और मुझे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत मजे की है इस कॉल चूरी। अल्लाह हाफिज़।